हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक आर्ट अंजलि। और मेरा नाम है अंजलि। आज मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ जो हम घर पे इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट आइडिया के लिए हमें सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए होगा। आप रीशू बॉक्स ले सकते हो। एक कैरी बैग ले लो। और ये मेरे पास एक कैरी बैग था, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, तो इसमें से मैंने कुछ कटिंग निकाल ली है। तो ऐसे जब भी मेरे पास कैरी बैग आते हैं तो मैं उनको संभाल के रख लेती हूँ ताकि मेरे को बाद में काम आ जाए। और इस बॉक्स पे मैंने पर्पल कलर किया है, और पर्पल कलर का मेरे पास कोई भी ऐसा कोई सामान नहीं था तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना पर्पल कलर किया जाए। वैसे आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगली बार मैं वो ही कलर करूँ। और पर्पल कलर कैसे बनाते हैं, आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स कर लीजिए तो आपका ये कलर बन जाएगा। फिर जो कटिंग हमने कैरी बैग में से काटी थी वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और जो एलिफेंट की कटिंग हमने काटी थी वो मैंने साइड में लगा दी है, और फिर दोनों साइड में हम उसको लगा देंगे। एलिफेंट लगाने से इसकी लुक और बढ़ गई है। और फिर हम इस अलमीरा में, जो ये हम अलमीरा बना रहे हैं छोटी सी, इसके अंदर हम एक पार्टीशन देंगे कार्डबोर्ड की हेल्प से, और हम इसको फेविकॉल की हेल्प से लगा देंगे। ठीक है, फिर इसमें हम अंदर पेंट करेंगे। यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ और मैं एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, शाइनिंग वाला, जो शिमरी वाले आते हैं ना वो मैंने यूज किया है। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, अगर आपका कलर बच जाता है पर्पल वाला ही तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरा पूरा कलर खत्म हो गया था तो मैंने अंदर पिंक कलर कर दिया है। पेंट करने के बाद अब बारी आती है इसको और डेकोरेट करने की। तो मैं यहाँ पे गोटा यूज कर रही हूँ, और गोटे से जहाँ जहाँ मैं लगा सकती थी मैंने वहाँ वहाँ गोल लगाया है, और कुछ स्टोन्स और कुछ मिरर की हेल्प से भी इसको मैंने सजाया है। आपका जैसे मन करे आप वैसे इसको सजा सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसी अलमारी एक बार और बनाई थी, अगर आपको ऐसी अलमारियाँ पसंद है अपनी कार्डबोर्ड वाली तो आप वो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जब तक मैं इसको डेकोरेट करती हूँ आप जाके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अलमीरा तो डेकोरेट हो चुकी है, अब हैंडल की बारी है। तो एक होल करेंगे, और फिर मैं बटन्स यूज कर रही हूँ इसका हैंडल बनाने के लिए, और फिर हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। जब तक आप जाकर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब बनाते हैं दूसरा DIY। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मोबाइल बॉक्स और एक पुराना सूट लिया है जो कि फट गया था। आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हो जो भी आपके घर में हो, या फिर कोई शीट ले सकते हो, कुछ भी मतलब आप यूज कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने ये जो मोबाइल बॉक्स है ना ये इस सूट से कवर कर दिया है ताकि ये 0 कॉस्ट DIY हो जाए। अब हम एक बॉक्स लेंगे और इसको हाफ कट कर लेंगे, और इन दोनों को हम साथ में ज्वाइन कर देंगे जैसा आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हो।
अभी आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यार, क्या है ना, जब भी मैं मेकअप का सामान यूज करती हूँ वो सारा मैसअप हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वॉर्ड्रोब को, एक की ड्रॉअर को एक अच्छा सा लुक दिया जाए, क्यों ना उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। तो मैंने यहाँ पे सारे मोबाइल बॉक्स को अच्छे से कवर कर लिया उस कपड़े से, और फिर मैं यहाँ पे एक लेस यूज कर रही हूँ इसके टॉप पे लगाने के लिए। चलो इन बॉक्सेस को इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने इस छोटे से ड्रॉअर के अकॉर्डिंग ये बॉक्सेस बनाए थे। आप अपने ड्रॉअर के अकॉर्डिंग ये ऐसे इस तरह से बॉक्सेस बना सकते हो, और अपना छोटा छोटा जो जो सामान होता है वो आपको इजीली अरेंज कर सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टेशनरी का सामान लगा सकते हो, और इस तरह से मेकअप का सामान भी लगा सकते हो। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं हम तीसरे DIY की तरफ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेजर का ये बॉक्स। इसको मैं कवर करने वाली हूँ टिश्यू पेपर से, और मैंने एक कप में पानी के अंदर फेविकॉल मिक्स कर लिया है, और मैं पूरे टिश्यू पेपर को इससे लगाने वाली हूँ। फिर मैंने एक स्टेंसिल को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है अच्छे से, और फिर यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी और फेविकॉल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बनाया है, उससे ये टेक्सचर दिया है। ऐसे ही मैं इसके टॉप पे भी टेक्सचर देने वाली हूँ। सच बताऊँ तो ये वाला बॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। आप चाहे तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो सेल भी कर सकते हैं इस बॉक्स को। ये जो डिजाइन है ये मैंने मोल्डेड क्ले से बनाए हैं। अब हम रील लेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हम इसको चारों कॉर्नर्स पे फेविकॉल की हेल्प से लगा देंगे। फिर मैं तो इस पे ब्लैक पेंट से इसको पेंट करने वाली हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो, और मैं इसको एक एंटीक सा लुक देने वाली हूँ। तो पहले मैंने इसको पूरे अच्छे से ब्लैक पेंट से पूरा पेंट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर मैं रस्ट मेटालिक कलर से हल्की हल्की इस पे शेडिंग दूंगी फिंगर की हेल्प से, या फिर आप स्पॉन्ज की हेल्प से भी दे सकते हो। तो ये मेरे पुराने इयररिंग है, ये टूट गए थे तो इनका कलर भी बहुत डल हो गया था, तो मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर करने वाली हूँ। और जब तक ये सूखते हैं तब तक हमने ये जो अंदर का बॉक्स था उसके ऊपर भी टिश्यू पेपर लगा कर ब्लैक कलर से भी पेंट कर लिया है, और अब हम उसके ऊपर भी हल्का हल्का रस्ट मटाले कलर कर देंगे ताकि वो दोनों एक जैसे ही लगे। फिर उसके बाद हम इसमें एक फोल्ड करेंगे और बटन लगाएंगे ताकि हम इस ड्रॉर को अच्छे से पुल आउट कर सके। ठीक है, अब वो मैं फेदर इस पे लगा दूंगी, और बीच में हम प्यारी की डॉल लगाने वाले हैं जो कि मेरे रबर बैंड क्लिप से निकली है, और ये रबर बैंड मेरे बचपन की थी यार। सच बताना ये दोस्तों ड्रॉअर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और आप अगर मेरी जगह होते तो आप इसको सेल करते या फिर आप इसको किसी को गिफ्ट करते। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको तीनों क्राफ्ट में से कौन सा क्राफ्ट बेस्ट लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, कौन सा नया आइडिया लेके आऊँ, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।